ये है दिल्ली दर्पण। किसी भी राजनीतिक सामाजिक ढांचे की खड़ा रहने के लिए आवश्यक है कि उस ढांचे के बनाने वाले लोगों के बीच में आपस में जो है ना भाईचारा, मोहब्बत, प्यार ये बना रहे। इन सभी लोगों के साथ मिलकर मुझे पूरा विश्वास है कि एमसीडी के अंदर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह आम आदमी पार्टी जो है बदलाव की इबारत लिखेगी। आम आदमी का परिवार बड़ा हो रहा है, सामाजिक समारोह और पारिवारिक मौकों पर भी आपस में मिलते जुलते हैं, और इसे क्या कहा जाए कि बड़े बड़े नेता भी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके छोटे छोटे फंक्शनों में आते हैं और उनसे मेल मिलाप करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे। पांडे जी, कैसे समय निकाल पाते हैं? मैं अक्सर देखता हूँ आपको इस तरह के आयोजनों में, आप जो कार्य पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े परिवार के लोगों के। बड़े बड़े राजनीतिक ढांचे होते हैं उनके पीछे यही स्नेह होता है, ये आपस का जो प्यार है, जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा ये ढांचे भरभरा के गिर पड़ेंगे। किसी भी राजनीतिक सामाजिक ढांचे के खड़ा रहने के लिए आवश्यक है कि उस ढांचे के बनाने वाले लोगों के बीच में आपस में जो है ना भाईचारा, मोहब्बत, प्यार ये बना रहे। और अगर आप इस बात को समझते हैं तो समय ईश्वर ने ये वो वरदान है कि सबको बराबर ही दिया हुआ है, 24 घंटे ही सभी के पास, प्रबंधन करना है इसका। आप अगर इस संगठन के पीछे की ताकत को समझते हैं तो प्रबंधन स्वतः हो जाता है। और असल नेता तो कहते हैं वही है जिसकी भूख जनता की उपस्थिति से शांत होती है। हम भी उसी कतार में खड़े होने वाले लोग हैं, पब्लिक मिलती है, जनता दिखती है, अच्छा लगता है उनके बीच उपस्थित होते हैं। आज बॉबी भाई का बर्थडे है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और ये अच्छा चलन है, मुझे लगता है कि जो भी अपने आप को समाजसेवी कहता हो या नेता कहता हो उसके लिए परिहार और आवश्यक हो जाता है कि वो अपने लोगों के साथ खड़ा हो। एक नेता, एक समाजसेवी जो अपनी टीम से मजबूत होता है या अपनी टीम से ही कमज़ोर होता है, हमारा भी वही हाल है। हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो अभी सचिन भाई हैं ये भी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, आए गोभी भाई जिनके यहाँ आए हैं ये भी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, बहुत सारे पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो परिवार बड़ा हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही बात है, पिछले 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को एमसीडी के चुनाव में धोखा दिया। अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है और जनता ने इस बात को पिछले बाई इलेक्शन के रिजल्ट से समझा दिया, बतला दिया है। तो जितने भी सहमना लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं, जो पार्टी से जुड़कर इस कुनबे को बड़ा भी करते हैं, मजबूत भी करते हैं, ऐसे तमाम लोग लगातार हर हफ्ते हमारी पार्टी के कुनबे में शामिल हो रहे हैं। इन तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत तो है ही। इन सभी लोगों के साथ मिलकर मुझे पूरा विश्वास है कि एमसीडी के अंदर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह आम आदमी पार्टी जो है बदलाव की इबारत लिखेगी। हम देखते हैं चर्चाएं आती हैं कि कांग्रेस के भी कई बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन लग रहा है जैसे कोई एक दूरी बना रखी हो, क्या कोई क्राइटेरिया भी तय है? नहीं, देखिए जुड़ने के लिए, साथ चलने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, साथ चलते चलते ज़रूर ये समझ में आ जाता है कि ये साथ कितनी देर तक का होने वाला है। राजनीति में जो धारणा है आपको लेकर, जो आपके अंदर धैर्य है, उससे तय हो जाता है कि आपकी सियासी उम्र कितनी होनी है। तो हम इस स्तर पर कोई फिल्टर, कोई क्राइटेरिया नहीं लगता। जुड़ना चाहता है, जो कह रहा है सीधे सीधे सामने मुँह कि हम आपसे जुड़कर और सेवा करना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। बाकी जब साथ काम करते हैं अपने आप समझ में आता है क्या होना है क्या नहीं होना। अभी नगर निगम चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा आप लेकर चल रहे हैं कि ये विवाद बना हुआ है लगातार कि किसके जिम्मेदारी है, फंड की कमी, जो आर्थिक हालत जो तंगी है, दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती है और आप कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार में उड़ा देते हैं, तो क्या लेकर के जाएंगे, क्या जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि एमसीडी का मतलब सिर्फ लेंडर, कचरा, करप्शन, लेंडर पर पैसा खाना, कचरा न उठाना और भ्रष्टाचार करना। इन 3 कामों के अलावा पिछले 15 सालों में बीजेपी शासित एमसीडी ने और कुछ भी नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। हम लोग पूरी दिल्ली के अंदर आपका विधायक, आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव अभी बहुत दूर है, कोसों दूर है, फिर भी लोगों के बीच जा रहे हैं। और एक तरफ से जो इकलौती कंप्लेन आ रही है, नालियाँ साफ़ नहीं है जी, एमसीडी के जो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं उसकी डिसिल्टिंग नहीं हुई जी, कचरा नहीं उठता जी, हमारे इलाके में कचरे वाली गाड़ी नहीं आती जी, यही हर जगह रेगुलर 90% जो कंप्लेन, दिल्ली सरकार से सारे ही खुश हैं। तो ये इस बात का प्रमाण भी है कि आने वाले निगम के चुनाव में जनता इस बार झाड़ू चलाएगी। इस बार जो जल भराव की स्थिति देखने को मिली है ऐतिहासिक है, कनॉट प्लेस, एयरपोर्ट, पास इलाके, ग्रामीण इलाके, मुंडका की भी हम बात करें तो पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है, कहाँ कमी है? बहुत बुरी स्थिति है, आप समझिए 87% से भी ज़्यादा दिल्ली के अंदर की जो 60 फीट से कम चौड़ी गलियाँ, सड़कें हैं और उनकी जो नालियाँ हैं, ये सब कुछ एमसीडी के जिम्मे हैं। जहाँ पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, आप कहीं दिखाइए वहाँ पे पानी लगता हो,
लगता है पानी, पानी ज़्यादा भरता है तो पानी लगता है, घंटे भर के अंदर या तो साफ हो जाता है तो ड्रेन आउट हो जाता है। दिक्कत कहाँ है, 60 फीट से कम चौड़ी गलियाँ उनके साथ लगी हुई जो स्टॉर्म ड्रेन हैं उनके अंदर है। एमसीडी ने सारा डिसिल्टिंग का पैसा खा लिया, डिसिल्टिंग तो नहीं करी वो एक बात है, इनको सीवर से कनेक्ट भी कर दिया जो इलीगल है। तो इसकी वजह से दिल्ली की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये सब कुछ अब इकट्ठा हो रहा है। पाप का घड़ा आगामी निगम के चुनाव में भर जाएगा। उसको लगता है कि एक ही पार्टी की सत्ता होगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। भाई बाई इलेक्शन को अगर एक छोटा सा सर्वे माना जाए तो जनता ने क्लियर कर दिया है कि यही आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। ये थे दिलीप पांडे, जिनका साफ मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर निगम में और दिल्ली सरकार दोनों जगह आती है तो दिल्ली की तमाम समस्याओं का समाधान हो सकेगा। कैमरामैन लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर